एशिया कप 2022 में दीपक चाहकर को क्या शामिल किया जाएगा, इस सवाल को लेकर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज बालाजी ने बड़ा बयान दिया है। एशिया कप से पहले भारत के पूर्व गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने दीपक चाहकर को लेकर बड़ा बयान दिया है। लक्ष्मीपति बालाजी का कहना है कि दीपक चाहकर को नई गेंद के साथ विकेट लेने की भी अच्छी क्षमता है, वो भारतीय टीम के लिए दुबई की पिच पर शानदार विकल्प बन सकते हैं। बुमराह और शमी की गैर मौजूदगी वाली भारतीय टीम में वो एक अच्छे विकल्प बन सकते हैं। आपको बता दूं कि दीपक चाहकर लंबे वक्त के बाद क्रिकेट के मैदान पर वापस आए हैं। उन्होंने हाल ही में खत्म हुई जिम्बाब्वे सीरीज में कमाल की गेंदबाजी की थी। उनकी गेंदबाजी देखने के बाद कई दिग्गज उन्हें एशिया कप में स्टैंड बाय खिलाड़ी से प्लेइंग 11 में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को खेला जाने वाला एशिया कप 2022 दुबई में आयोजित किया जाएगा और यह भारत के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि भारतीय टीम ने अब तक 7 बार यह खिताब अपने नाम किया है।